नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट वन में मैंने केवल इस कविता का सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट टू में यानी इस वीडियो में मैं केवल छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं उनके द्वारा रचित भिक्षुक कविता पर वीडियो बनाते वक्त श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता का सस्वर वाचन, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को बारी बारी कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादिनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता का सस्वर वाचन। वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्रणव भारत में भर दे, काठ अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। आइए अब मैं व्याख्या भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे शीर्षक कविता या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता को व्याख्या की दृष्टि से मैंने तीन भागों में बांटा है। प्रत्येक पद्य खंड में जो कठिन से कठिन जो शब्द आए हुए हैं मैंने उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे कॉपी में शब्दों के अर्थ को लिखने का प्रयास करें तथा उसे याद करें, ताकि जब भी मैं इस व्याख्या को करूं या जब भी आप इस व्याख्या को देखें आपको व्याख्या करने में कहीं भी किसी प्रकार की
परेशानी ना हो, अर्थात शब्दों का अर्थ आप कॉपी पर अवश्य लिखें और उसे याद करने का भी प्रयास करें। वरदे वीणा वादनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता का व्याख्या भाग। वरदे वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्रणव भारत में भर दे। आइए सबसे पहले उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ वर यानी वरदान या आशीर्वाद, वीणा वादिनी यानी वीणा बजाने वाली मां सरस्वती, दे यानी दीजिए, वरदे वरदायिनी, प्रिय मधुर या रुचिकर, स्वतंत्र रव यानी स्वतंत्रता का स्वर अथवा मुक्त या स्वच्छंद ध्वनि, अमृत मंत्र यानी जिस मंत्र से मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति जीवन प्राप्त कर लेता है, या अमरता प्रदान करने वाली ध्वनि या ऐसे मंत्र जो अमरत्व की ओर ले जाए, नव यानी नया, भर दे यानी पहुंचा दे या पूर्ण कर दे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता वरदे वीणा वादनी वरदे या सरस्वती वंदना शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता छायावाद के महान कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता उनकी लोकप्रिय रचना गीतिका से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विद्या की देवी माता सरस्वती की वंदना कर उससे ज्ञान का प्रकाश और स्वच्छंदता का वरदान मांगा है। व्याख्या वरदे वीणा वादिनी वरदे। निराला जी माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे वीणा वादिनी मां सरस्वती, तू मुझे वरदान दे, तू देशवासियों के स्वरों में स्वतंत्रता से परिपूर्ण मधुर ध्वनियां भर दे जिससे सर्वदा ज्ञान की सृष्टि होती रहे, अर्थात भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना अमृत मंत्र भर दे। भाव यह है कि कवि में अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने की प्रबल भावना है। स्वतंत्रता का स्वर उन्हें अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाला प्रतीत होता है, अतः वह चाहता है कि यह स्वर पूरे भारत यानी हमारे देश में गूंज उठे। काव्य सौंदर्य उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने मां सरस्वती से वंदना की है। कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यहां शांत रस है। काठ अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर
कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ काट यानी मिटा देना या नष्ट कर देना, अंधउर यानी अंध विश्वास पूर्ण हृदय या अज्ञानता पूर्ण हृदय, बंधन यानी बाधाएं, ज्योतिर्मय यानी प्रकाशमान या ज्ञानमय, स्तर श्रेणी, बहा यानी प्रवाहित कर देना, जननी मां सरस्वती, निर्झर यानी झरना या सोता, कलुष यानी पाप, भेद यानी अंतर, तम यानी अंधकार, हर यानी हरना या दूर कर देना, भर यानी फैला देना या फैलाना। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देवी सरस्वती की वंदना कर उससे ज्ञान के प्रकाश और स्वच्छंदता का वरदान मांगा है। व्याख्या। निराला जी समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपरा के प्रबल विरोधी तथा नवीनता के प्रेमी हैं, अतः वह मां सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मां सरस्वती, भारतीयों के हृदय में प्राचीन परंपराओं, रूढ़ियों, अज्ञानताओं तथा दासता आदि के जो बंधन हैं उन्हें काट दे, अर्थात उन्हें दूर कर दे। कवि की दृष्टि में आज संपूर्ण देशवासी आपसी बैर द्वेष ईर्ष्या आदि कलुषित भावनाओं से ग्रस्त हैं। इसे देख उनका हृदय खिन्नता से भर उठता है। कवि की दृष्टि में आज एक ऐसी नव ज्योति की आवश्यकता है जिसके प्रभाव से पूरा देश जगमगा उठे। मां सरस्वती ज्ञानदायिनी है, अतः माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हे मां सरस्वती, तुम भारतवासियों के हृदय में अंधकार से युक्त सभी तरह के बंधन को काट दो और वहां ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता तथा अशिक्षा हैं उन्हें दूर कर दो और उनके हृदय में प्रकाश से जगमग कर दो, अर्थात देशवासियों के हृदय में व्याप वैर द्वेष ईर्ष्या आदि कलुषित भावना को मिटाकर उनमें प्रेम श्रद्धा और सहानुभूति की भावना को भर दो। कहने का भाव यह है कि अज्ञानता और जड़ता के कारण उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसी कारण हम गुलामी और परतंत्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाव यह है कि अज्ञानता के कारण भारतवासियों के हृदय में दासता की अनेकानेक परतें जम गई है जिनसे स्वतंत्र विचार पनपने में बाधा पड़ रही है। इस समय भारतवासियों के हृदय में मलिनता
ईर्ष्या द्वेष तथा अज्ञानता का साम्राज्य है। अतः हे मां, इन दोषों को दूर कर उनके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश की धारा प्रवाहित कर दो। तुम इस देश के नागरिकों में नव निर्माण की शक्ति प्रदान करो। इस प्रकार संपूर्ण देश ज्ञान और स्वतंत्रता की भावना से जगमगा उठे, क्योंकि ज्ञान के अभाव में ही पूरा देश पीड़ित है। काव्य सौंदर्य उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने माँ सरस्वती से वंदना की है। कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यहाँ शांत रस है। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहाँ पर बतलाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ नव यानी नया, गति यानी चाल, मंद्र यानी गंभीर या तेज, रव यानी शब्द, विहग वृंद यानी पक्षियों का समूह, पर यानी पंख, जलद यानी बादल, नवल यानी नवीन, कंठ यानी गला, नभ यानी आकाश, स्वर मतलब आवाज, संदर्भ वही प्रसंग। इसमें कवि ने माता सरस्वती की आराधना की है। व्याख्या रूढ़ियों के विरोधी कवि निराला जी जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीनता देखना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को नवीनता से विशेष प्रेम है और प्राचीनता से द्वेष। इसीलिए महाकवि ने बार बार नव शब्द का प्रयोग किया है। कवि देश को नई रोशनी तथा नई दिशा देना चाहता है। अतः माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, तुम भारतवासियों में नई गति, नया ताल, नया छंद, नवीन कंठ तथा बादल की गर्जना सा नवीन गंभीर स्वर भर दे, जिससे वे नवीन भावों से पूर्ण होकर स्वतंत्रता के गीत गा सके। कारण कवि का विश्वास है कि जब तक नए ज्ञान की ज्योति जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक प्राचीनता और रूढ़िवादिता के मोह में फंसे भारतवासियों का उद्धार नहीं होगा। अंत में कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, नए आकाश में आने वाले नए पक्षियों के समूह को नया पंख दो, जिससे वह नवीन शक्ति से उड़ सके। भाव यह है कि नया युग आ गया है, भारत की धरती तथा आकाश भी नवीनता से भर गए हैं। नवीनता की भावना सब में गूंज रही है। अतः कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि
वह कवियों को स्वतंत्र भावना, ज्ञान तथा विवेक की शक्ति प्रदान करे, जिससे उनको नवीन गति, नवीन प्रेरणा तथा नई दिशा प्राप्त हो। अर्थात कवि देश के साहित्यकारों से नई कल्पनाओं और नए छंदों का प्रयोग कर नई रचना करने का आह्वान करता है। काव्य सौंदर्य। उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने मां सरस्वती से वंदना की है। कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। यहाँ शांत रस है, अलंकार अनुप्रास और यमक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे अवश्य शेयर करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और अगले वीडियो में बहुत ही अधिक सुंदर, बहुत ही बेहतर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।